खबरों की भीड़ से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जो हैं सबसे अलग। शुरुआत करते हैं विदेश की एक खबर से। फिलीपींस से एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया है जहां एक लड़की ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और उसके ऑर्डर को लेकर अलग अलग 42 डिलीवरी बॉय वहां पहुंच गए। उस लड़की को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। इस मामले का खुलासा तो तब हुआ जब इसकी तफ्तीश की गई। दरअसल ये सब हुआ फूड ऐप में तकनीकी गड़बड़ी के चलते। एक के बजाय 42 डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंच गए। ऐप के ठीक से काम नहीं करने की वजह से लड़की की ओर से ऑर्डर 42 डिलीवरी बॉय तक पहुंच गया और वो सब के सब वहां पर खाना लेकर पहुंच गए। डॉक्टर्स से गलतियां सिर्फ भारत में होती है ऐसा मत समझिए, विदेश में भी ऐसी गलतियां होती है जिसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। स्पेन में डॉक्टर्स ने बच्चों को पेट पे दर्द और गैस की दवा दी, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। बच्चों के शरीर में ढेर सारे बाल उग गए। ऐसा किसी एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि 20 बच्चों के साथ हुआ है। प्रशासन ने कहा कि बच्चों को पेट दर्द की दवा की जगह कोई और दवा गलती से दे दी गई थी और इसी के कारण 20 बच्चे एक अलग तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में शरीर में अनचाहे जगहों पर बाल उगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको उम्मीद से ज्यादा इतना मिल जाता है कि जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसा मामला थाईलैंड से सामने आया है जहां एक मछुआरा रातों रात करोड़पति बन गया। आश्चर्य की ये बात है कि मछुआरा वेल की उल्टी से करोड़पति बना है। महीने में 500 पाउंड कमाने वाले नारिस ने कभी सोचा नहीं था कि वो जिस चट्टान का टुकड़ा लेकर घूम रहा है उसकी कीमत है 24 लाख पाउंड। नारिस का कहना है कि बिजनेसमैन ने उनसे वादा किया कि अगर इसकी क्वालिटी बेहतर निकली तो इसके लिए उन्हें 23,740 पाउंड प्रति किलो के हिसाब से कीमत दी जाएगी। नारिस सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को भी इसकी जानकारी दे चुके हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।